की कमी है, सरकार बदलनी है, पंडित को सुरक्षा दे न सके जो, मेरी पंडित को सुरक्षा दे न सके जो। कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों की नृशंस हत्या और लगातार बढ़ रही आतंकी घटनाओं के विरोध में आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार के खिलाफ उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रदर्शन किया। आप कार्यकर्ताओं ने कश्मीरी हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की। अलीगढ़ से लेकर आजमगढ़ तक और बरेली से लेकर चंदौली तक सूबे के लगभग हर जिले में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। राजधानी लखनऊ के स्वास्थ्य भवन चौराहे पर आप कार्यकर्ताओं ने कश्मीरी पंडितों की हत्या को लेकर प्रदर्शन किया, जहां पुलिस के साथ उनकी धक्का मुक्की भी हुई। ये निकम्मी सरकार पंडितों के नाम पे राजनीति कर रही है, लेकिन उनको सुरक्षा नहीं दे रही है। तो हम लोग आए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता कि कश्मीर में पंडितों को सुरक्षा दी जाए, और इस तरीके की केवल राजनीति, ये केवल कश्मीर फिल्म देखने के इंटरेस्ट है, इनको कश्मीर के पंडित से कोई मतलब नहीं। ये फिल्मी बाज, ये जुमलेबाज किसी को न्याय नहीं दे सकते। ये चाहते फिल्म बनाए, फिल्म में करोड़ रुपए कमाए, और ये राजनीति, गंदी राजनीति कर रहे हैं। लाशों पे, शहीदों की लाशों पे राजनीति कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, आपकी सरकार है पंजाब में, वहाँ पर सिद्धू मूसे वाले को दिन दहाड़े एक मिनट के अंदर दर्जनों गोलियां मारी जाती है, उसको लेकर क्या करें? ये सवाल आप उत्तर प्रदेश में योगी से पूछते कि किस तरह कमलेश तिवारी को यहाँ मरवा दिया गया, जबकि उसने कहा था योगी जी मरवा रहे हैं। पंजाब में नहीं, सुरक्षा दी थी उनके पास, सुरक्षा थी, लेकिन वो अपनी सुरक्षा लेकर गए नहीं। ये झूठ बोल रहे हैं, सुरक्षा वापस नहीं की गई थी, झूठ बोल रहे हैं, झूठी सरकार है, झूठी सरकार है। सुरक्षा वापस नहीं की गई थी, कम की गई थी, बुलेट तो रहे उनके पास, बुलेट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चंदौली में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। वहीं गोंडा में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा की मांग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित एक और ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा गया। आजमगढ़ में कश्मीरी पंडितों के समर्थन में आजमगढ़ के आप कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सोनभद्र में मोदी सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। मऊ में भी कश्मीरी पंडितों के पलायन के विरोध में और कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित ज्ञापन अधिकारी को सौंपा। वहीं बुलंदशहर में कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के गेट पर धरना दिया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पिछले एक महीने से टारगेटेड किलिंग के कई मामले सामने आए हैं। राहुल भट्ट, रियाज अहमद, सैफुल्ला कादरी, अमरीन भट्ट, रजनी बाला, विजय कुमार, इन तमाम लोगों की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद इन घटनाओं से भयभीत कश्मीरी पंडितों ने 90 के दशक के बाद एक बार फिर से पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं।